पर्यावरण संरक्षण को लेकर बुलंदशहर के जिलाधिकारी ने शिवरात्रि पर्व पर कांवड़ियों के साथ मिलकर सैकड़ों पौधे लगाए और कांवड़ उपवन का शुभारंभ किया। देश का बुलंदशहर में ये पहला कांवड़ उपवन है जहां धार्मिक आस्था से जुड़े हुए रुद्राक्ष और पीपल के सैकड़ों पौधे आज लगाए गए हैं। वहीं जिलाधिकारी की माने तो इन पौधों की देखरेख का जिम्मा वन विभाग का होगा। जो किए गए हैं फिर टेप बजा लगा। देखिए पर्यावरण संरक्षण का पर्व ही है, इसलिए हमें लगा कि धार्मिक पर्वों को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ा जाए। आप देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जल शक्ति अभियान शुरू किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने वृक्षारोपण शुरू किया है, जो 9 अगस्त को 22 करोड़ पौधे पूरे उत्तर प्रदेश में लगाए जाएंगे। तो हमें लगा कि यहाँ वृक्षारोपण करवा कर जिससे इन दोनों का स्पोट्रा में पौधारोपण अभियान के तहत माध्यमिक विद्यालय मसावत में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय परिसर में 101 पौधे रोपे गए। इस दौरान तहसीलदार योगेश अग्रवाल ने अभियान की सराहना करते हुए कहा कि इस मुहिम से पर्यावरण सुरक्षित तो होगा ही, साथ में मनुष्य का जीवन भी सुरक्षित होगा। ऐसे में आमजन को इस मुहिम के साथ खड़े होकर अपना महत्वपूर्ण योगदान देना चाहिए। इस अभियान को सफल बनाना हर नागरिक का कर्तव्य है। सीतापुर में 3 महीने पहले हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने मृतक युवक के प्रेमी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार जिस तमंचे से आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया था उसे भी बरामद कर लिया गया है। कमलापुर थाना क्षेत्र में 4 अप्रैल को एक महिला की डेड बॉडी मिली थी और उसको गोली मार करके उसकी हत्या की गई थी। उस समय उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई थी। बाद में उसके पिता ने जो गुमशुदगी दर्ज कराई थी उसके आधार पर जो सोशल मीडिया में उसके फोटोग्राफ प्रसारित हुए, उसने फोटो देख करके पहचान किया और थाने पर आकर बताया कि ये मेरी लड़की है जो ये सोशल मीडिया पर उसकी फोटो प्रसारित हो रही है। फिर उस आधार पर फिर जो कपड़े वगैरह थे उससे उसकी पहचान कराई गई और वो आइडेंटिफाई हो गई ये उसी की लड़की है। और इसके बाद फिर जो है जो मृतका की मोबाइल थी वो करीब 2 महीने तक जो है आरोपीगढ़ से वो उसको। वहीं भोपाल में कीर समाज का 3रा प्रतिभा सम्मान समारोह संपन्न हुआ। इस समारोह में पहली बार प्रथम और द्वितीय दो दो पुरस्कार दिए गए। कीर समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह भोपाल में नर्मदा भवन में आयोजित किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र सहित आसपास के सभी प्रांतों के बालक बालिकाओं को सम्मानित किया गया, जिसमें लैपटॉप, एंड्रॉइड मोबाइल और अन्य पुरस्कार किए गए। अन्य प्रतियोगी को ट्रॉफी व अन्य पुरस्कार वितरण किए गए, जिसमें सभी समाज बंधुओं में बड़ा हर्ष का माहौल है। टंकूलाल खीर 140 बाल बालिका सम्मानित हुए किसान सेवा समिति के द्वारा और यहाँ पे अपने भोपाल में नर्मदा भवन में आयोजित किया गया। इसमें फर्स्ट जो आए हैं उनको लैपटॉप दिया गया और सेकंड को एंड्रॉइड मोबाइल वगैरह और अदर को और भी ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। इस समाज का बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रगतिशील कार्य है, इसमें शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। आपका नाम? ईश्वर दाइमा, सिंह उज्जैन। वहीं यूपी के कुशीनगर में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहाँ कप्तानगंज गोरखपुर मार्ग पर अनियंत्रित ट्रक और पिकअप में आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में दोनों वाहनों के चालकों को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।